पूरे देश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। फिलहाल 12 राज्यों में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,00,000 से अधिक है, जबकि 7 राज्यों में ये संख्या 50,000 से 1,00,000 के बीच है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 24 राज्यों में फिलहाल 15% से अधिक संक्रमण दर है और 9 राज्यों में ये दर 5 से 15% के बीच है। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जहां कोविड-19 के रोजाना मामलों में लगातार कमी आ रही है। मंत्रालय ने बताया कि बहरहाल कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा उन राज्यों में शामिल है जहाँ संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। राज्यों के आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने तबाही मचा रखी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 20,000 मामले सामने आए हैं, जबकि लगभग 350 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,022 नए केस दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,076 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की खबर आ रही है। सभी राज्यों में उनकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई करना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मोदी सरकार ने नाई और DRDO को लगभग 581 जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन